तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको अगली वीडियो में, पार्ट टू में। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे P06 से। जैसे कि आप देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में हमने आपको 0 to P01 से P05 के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे P06 से लेके P020 तक, है ना। तो दोस्तों हम इसको चाबी को चालू करते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो चाबी को ऑन करने पे हमको यहाँ पर कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, या आप हमने उसको पहले बताया है, फिर भी अब छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ। इसको आप देखें, इसको आप पहली बार प्रेस करेंगे तो आपकी जो किलोमीटर्स वो शो कर रहे हैं, दूसरी बार जब आप शुरू करेंगे तो आपकी बैटरी का वोल्टेज शो करेगा, और तीसरी बार में जब शुरू करेंगे तो आपने मीटर मतलब साइकिल कब कितने समय से ऑन की है, कितने मिनट से ऑन की है वो आपको दिखाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, जैसे पहली बार में किलोमीटर्स दिखा रहा है ये, दूसरी बार में आपका ट्रिप मीटर दिखा रहा है, यानी कि आपने जब से चाबी चालू करी है जब से कितना आप चला चुके हैं। ये ट्रिप मीटर हमेशा जब भी चाबी चालू करेंगे 0-0 दिखाएगा, लेकिन आपका जो मेन किलोमीटर है वो ये दिखाएगा कितने किलोमीटर आपकी साइकिल अभी तक चल चुकी है, शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने पिछले वीडियो में नहीं दी थी, अभी आपको दे दी है मैंने। अब P06 में आपको लिखा है व्हील का डायामीटर, यानी कि आपकी व्हील का साइज़ क्या है। 26 नंबर है, 27.5 नंबर है, 29.5 नंबर है, 28 नंबर है। नॉर्मली हमारी जो व्हील का डायामीटर अगर आपको चेक करना है तो आपकी साइकिल पे लिखा होता है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर जैसे लिखा है यहाँ पे 28 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये व्हील का डायामीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, हर साइकिल पर लिखा होता है, आप इसको टायर पे से देख सकते हैं, हर साइकिल पर लिखा होता है। तो ये व्हील का डायमीटर हम कैसे इसको फिट करेंगे यहाँ पर वो देखते हैं हम। व्हील का डायमीटर 06 पे आता है, तो हमने यहाँ पे दो बटन लॉन्ग प्रेस करे हैं प्लस और माइनस के, उसके बाद हम 06 पे जाते हैं। तो ये 28x5 हमने डाल रखा है, इसको चेंज करना है तो प्लस के बटन से हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, है ना। ये 29 नंबर हो गया है, इस तरह से इसको हम माइनस करके चेंज कर सकते हैं। यदि आपका व्हील का डायमीटर यदि 27.5 है तो 27.5 कर सकते हैं, यदि आपका 26 नंबर है तो 26 नंबर कर सकते हैं, इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका व्हील का डायमीटर आपके व्हील पे लिखा होता है। अभी हमारा व्हील का डायमीटर है 28.5, तो ये 28.5 हमने इसको सेट कर दिया है और हम इसको वापस से मेन पेज पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो स्पीड है वो एग्जैक्ट किलोमीटर्स कैसे बताएगा, ये व्हील का डायमीटर आप सेट करेंगे तब बताएगा। अब सातवें नंबर पे जो मेन चीज़ है वो है इस पे P07 पे लिखा हुआ है मैग्नेट स्टील नंबर। दोस्तों हब मोटर जो होता है लगभग लगभग 5 इंच का होता है, 5.5 इंच का होता है, और इसमें जो मैग्नेट संख्या होती है वो 20 होती है। तो 20x5 यानी कि आप इसको 100 पे रख सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है, P06 या 7 है ये, आप इसको 100 पे कर सकते हैं जिससे आपकी स्पीड आपको सही मिलेगी, ठीक है। तो ये हमको 100 पे रखना है। इसके बाद हम देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है P08 स्लीप स्पीड लिमिट, P08 पे है स्पीड लिमिट। अब स्पीड लिमिट का मतलब ये है कि आप अपनी साइकिल की स्पीड को कितने लिमिट में या कितने स्पीड पे चलाना चाहते हैं, लिमिट लगाना चाहते हैं या इसको फुल स्पीड पे चलाना चाहते हैं। बहुत ही आवश्यक चीज़ है ये, हर साइकिल में होना चाहिए स्पीड लिमिट। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल ले रहे हैं या इलेक्ट्रिक साइकिल लेने का सोच रहे हैं तो P08 एक बहुत ही बढ़िया इसका ऑप्शन है। P08 में हम देखें किस तरह से इसका हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं स्पीड लिमिट का। तो दोस्तों स्पीड लिमिट क्या होती है, यानी कि आप अपनी साइकिल जब चला रहे हैं, आप पहली बार चला रहे हैं, आपने फुल थ्रोटल खींच दिया, आपकी साइकिल फुल स्पीड पर आ गई, ठीक है, फुल स्पीड पर आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्पीड पर आपको दिख रही है ये। तो इतनी लिमिट इतनी स्पीड पे यदि आपकी साइकिल कंट्रोल नहीं हुई तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है,
अब स्पीड लिमिट में यदि हम देखें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप यदि आप पहली बार साइकिल चला रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को 5, 10, 15, 20 पे भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, हम जैसे हमने इसको अंदर फिट किया, P07 पे आ गए, P08 पे हमने इसको ला दिया है, ठीक है। अब P08 पे लाने के बाद इसमें हमको 1 to 100 मिलेंगे, हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 to 100 को। देखिए ये 1 से शुरू हो गया है, अब हम इसको कर देते हैं 10 की स्पीड पे, ठीक है। ये हमने 10 की स्पीड पे कर दिया है, वापस से हम इसके होम पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम इस थ्रॉटल को फुल खींचेंगे तो स्पीड होगी लगभग 8 से 10 की। देखिए आप, फुल थ्रॉटल खींच दिया मैंने, ठीक है, लेकिन स्पीड हमको कितनी मिल रही है, 8, 9, 10 की मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका एक फीचर्स है कि आप अपनी स्पीड को लिमिट दे सकते हैं, जिससे आप किसी भी नए व्यक्ति को साइकिल दें तो वो फुल थ्रॉटल कैसे भी चलाएगा, उसको लिमिट आपने बांध के दे दी, जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये फुल स्पीड यहाँ पे 10 की आ रही है, हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं, ये फुल स्पीड हमने यहाँ पे चला दी। फुल स्पीड होने के बावजूद भी स्पीड हमारी यहाँ पर लिमिट हो गई है, तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है P08 पे, देखें तो स्पीड लिमिट का। तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा इसका फ़ायदा है, ज़रूर इसको आप यूज़ कीजिएगा यदि आप पहली बार साइकिल ले रहे हैं, स्पीडोमीटर वाली या इलेक्ट्रिक साइकिल, तो इसमें इसका फ़ायदा होना चाहिए स्पीड लिमिट का। अब यदि स्पीड को बढ़ाना है तो वहीं वापस से आपको P08 पे जाना है और अपनी स्पीड को फुल कर देना है, यानी कि 100 पे ला देना है, ठीक है। हम रिवर्स में जाते हैं और 100 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। 100 पे पहुंच गए और वापस से होम पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। यह हम होम पेज पे चले गए हैं, अब हमारी स्पीड आप देखिएगा, ये हमने फुल स्पीड कर दी है, ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा एक इसका फीचर्स है कि हम आपसे अपनी लिमिट स्पीड लिमिट को मेजर कर सकते हैं 1 to 40 तक, ठीक है। तो ये P08 बहुत ही अच्छा एक P08 इसका बहुत ही अच्छा इसका उदाहरण है, आप अपनी स्पीड लिमिट लगा सकते हैं। P09 जीरो टू नॉन ज़ीरो स्टार्ट है, ये P09 यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है ये, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यदि आपके पास यदि कोई जानकारी हो P09 की तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। P010 है ड्राइव मोड सेटिंग, यानी कि आप इसमें हमको 3 मोड मिलते हैं, 0, 1 और 2। 0 में हमको पावर ड्राइव मिलता है, 1 में इलेक्ट्रिक मोड मिलता है और 2 में दोनों मोड मिलते हैं, यानी कि पावर ड्राइव भी मिलता है और इलेक्ट्रिक मोड भी मिलता है। तो देखिए अब कैसे होता है, ये हमने दोनों बटन इंटरनल चपदे हैं और P08 से हम 9 पे जाएंगे, 9 से हम 10 पे जाएंगे, 10 पे आप देखेंगे प्लस माइनस कर रहे हैं तो 0, 1 और 2, हमको 2 पे रखना है, मतलब यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, हमको 2 पे रखना है। वापस से हम दो बटन चपत के इसको होम पेज पे जाएंगे तो ये हमको दोनों मोड मिलेंगे, पावर मोड भी मिलेगा और इलेक्ट्रिक मोड भी मिलेगा। तो इस तरह से इसको P010 को हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे तो P01 से लेके P010 तक हम आ चुके हैं और कैसे कैसे करना है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगली हम बात करते हैं 11 से लेके 20 तक की, जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझने के लिए। P11 में क्या है हम देखें तो P11 में असिस्ट सेंसिटिविटी, यानी कि पैडल सेंसर आपका जब चलाएंगे तो किस रेंज में होना चाहिए, उस रेंज को हम कैसे डिवाइड करेंगे, किस तरह से इसको फिट करेंगे इस डाटा को, ठीक है। तो P11 को हम जैसे ही इसमें हम मेजर करेंगे, पहले इंटरनल पेज पे जाएंगे, ये 10 आ गया है, 10 से लेके हम 11 पे गए, 11 पे हमको मोड मिलते 24, यहाँ पे लिखा है 1 to 24, तो यहाँ पे 24 पे लगा हुआ है, हमको मैक्सिमम 24 पे रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने मोड मिलते हैं हमको, देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
तो इस तरह से हमको 24 मोड मिलते हैं, तो हमको सेंसिटिविटी मैक्सिमम रखना है जिससे हमको स्पीड अच्छी मिले, ठीक है। तो ये 24 पर रखना है, 24 से हमको बाहर आ जाना है, मतलब होम बेस में आना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। P012 है ये असिस्ट पावर सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी पावर असिस्ट जो है हमको 0 to 5 मिलता है। आप 5 पे रख सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे, ये 11 है, ये 12 पे हमको आना है। अब यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो हमको 5 पे रखना है। 5 पे रखने के बाद हमको दोनों बटन चबाना है जिससे हम होम पेज पे आ जाएं। तो ये होम पेज पे आ गए हम, हमने रखा है P12 को हमको 5 पे रखना है। अब P013 पे है पावर मैग्नेट स्टील नंबर, यानी कि आपका पैडल सेंसर जो है वो कितने मैग्नेट का है। यहाँ पे 5, 8 और 12, यदि आपका पैडल मैग्नेट सेंसर 5 का है तो 5 पे रखना है, 8 का है तो 8 पे रखना है, और 12 का है तो 12 पे रखना है। हमारा जो पैडल मैग्नेट सेंसर है वो 12 का है, तो हमको इसको 12 पे रखना है, ठीक है। आइए देखें कैसे करते हैं। हमने इंटरनल बटन चालू किया है और हम जो है 13वें नंबर पे जाएंगे, P13 पे। तो आप देखते हैं जैसे इसको हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, वापस से हम 12 पे आगे जाएंगे तो 5 पे आ जाएगा, तो हमको कितने पे रखना है, 12 पे। तो हम वापस से होम पेज पे आ जाएंगे इसको सेट करने के बाद, ठीक है। तो ये 13वें नंबर पे जो पीच जो 13 है उस पर हमको 12वें नंबर पे पेडल सेंसर रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो P14 यानी P14 इसमें लिखा हुआ है कंट्रोलर करंट, यानी कि आपका कंट्रोलर कितने एम्पियर का है। तो दोस्तों आपका कंट्रोलर कितने एम्पियर का है उस कंट्रोल पर लिखा होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कंट्रोलर जो करंट है इसके ऊपर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, 14 एम्पियर का कंट्रोलर है ये, ठीक है। ये कंट्रोलर पर लिखा है 14 एम्पियर, तो आपका जो कंट्रोलर 14 एम्पियर का है तो आपको क्या करना है, P014 पे जाना है और यहाँ पे आपका 1 से लेके 20 तक मिलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो आपको जाना है 14 पे, तो आपका कंट्रोल कभी भी गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ 14 एम्पियर मैंने कर दिया है, वापस से होम पेज पे आना है बाहर आके, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोलर 14 एम्पियर का, हर कंट्रोल पर लिखा होता है कितने एम्पियर का करंट ये ले सकता है, ठीक है। तो 14 एम्पियर का है तो 14 एम्पियर का हमको रखना है, ठीक है। अब अगला है जो है वो है P15 यानी P15 कंट्रोलर कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि आपका कंट्रोलर कितने वोल्ट तक बैटरी को कट ऑफ कर देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स है, इस फीचर्स का यूज़ करके आप अपनी बैटरी की सर्विस को बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे होता है, आपकी बैटरी मान लें 36 वोल्ट की है तो आपको 29 वोल्ट तक रखना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यदि आप इससे ज़्यादा भी रखेंगे या कम भी रखेंगे तो ये 29 वोल्ट पे आके वापस रुक जाएगा। यदि आपकी बैटरी 48 वोल्ट की है तो ये 39 पे होके कट हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है हम देखते हैं। हम इंटरनल पेज पे जाना है, अभी 14 है हमको 15 करना है, 15 आ गया, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 29 वोल्ट पे करना है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद जैसे आप इसको सेट करेंगे वापस से बंद चालू करेंगे तो ये 29 वोल्ट पे आके वापस से फिट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये सेट है इसके अंदर, तो 29 वोल्ट पे हमको इसको रखना है, ठीक है। इस तरह से इसका सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये P16 है, इसमें ओडोमीटर 0 सेटिंग है, मतलब आप अपने किलोमीटर्स जैसे लिखा हुआ है, अभी मेरी जो मोटर है 59 किलोमीटर यानी चल चुकी है, ठीक है। अब इसको हमको 0 करना है, तो ये 16वां नंबर जो है P16 नंबर यहाँ पे काम आने वाला है। देखिए कैसे होता है, हमने P015 पे हैं, अभी हम 16 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई भी सेटिंग नहीं है, ठीक है, हम ऊपर नीचे कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसको 0 करने के लिए आपको 10 सेकंड तक प्लस को दबाना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है,
वापस से होम पेज पे आ गया, हमको इंटरनल पेज पे जाना है 16 नंबर के। हम इंटरनल पेज पे गए, 16 नंबर पे पहुंच गए, हमको 10 सेकंड तक दबाना है, ठीक है। 10 सेकंड तक दबाने पे ये जीरो हो गया अपने आप, ठीक है, यहाँ पे जीरो हो गया है। जीरो होने के बाद आप इसको वापस चाल इधर बाहर आएंगे, ठीक है, तो ये आपका ओडोमीटर वापस से जीरो हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब चाबी अपन बंद भी करेंगे, तो आपका किलोमीटर यहाँ पे जीरो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उपयोग करके आप कभी भी अपने रीडिंग को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगला नंबर है P017 है, इसमें क्रूज़ कंट्रोलर ऑफ है। ये सेटिंग इस मीटर में, इस LCD में सपोर्ट नहीं करती है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यदि आपके पास जानकारी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो क्रूज़ कंट्रोल ऑफ यहाँ पे नहीं होता है, हम अब आपको गलत जानकारी नहीं देंगे, इसलिए इसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसमें P18 पे लिखा हुआ है डिस्प्ले रेंज एडजस्टमेंट, इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको मिलेगा 50 से लेके 150 तक, यानी कि 50 to 150। आपको इसको 100 पर रखना है, देखो कैसे रखना है। इसको हमको प्लस माइनस को वापस दबाना है इंटरनल पेज के लिए, एक P01 से लेके हमको 18 पे जाना है। 18 पे हम गए, 18 पे ये ऑलरेडी 100 पर सेट है, आप देखेंगे यहाँ पे 150 तक हमको यहाँ पे लिमिट मिलती है, ठीक है। तो हमको 100 पर रखना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तो 100 पे हमने रख दिया और हमको वापस से इंटरनल पेज पे, होम पेज पे आना है इंटरनल पेज से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये P018 हमको 100 पे रखना है, इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। P09 जीरो शिफ्ट एनेबल बिट, ये भी इस LCD पे सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और यदि आपके पास जानकारी हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। अब P020 में ये मोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग जीरो पे रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी चेंज करेंगे तो उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, चेंज करने जाएंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, देखें कैसे होता है ये, ठीक है। हम इंटरनल पेज पे आ गए हैं, 19 और ये 20, देखिए आप, हम प्लस माइनस दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यदि आपको इसके बारे में जानकारी हो क्या है चीज़, तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इसमें सेटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको P01 से लेके 20 तक का पूरा जानकारी आपको दी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी यदि आप चैनल पर नए हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी जानकारी इस वीडियो पे आती रहती है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।